फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने टोहाना के बहुचर्चित जलेबी बाबा सेक्स स्कैंडल मामले में दोषी करार दिए गए बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी के खिलाफ सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने बाबा को 14 साल कैद की सजा, 35,000 जुर्माना, 376 सी में 7 साल, पॉस्को एक्ट में 14 साल और 67 आईटी एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेगी। वहीं आर्म्स एक्ट में बाबा को कोर्ट ने बरी कर दिया। दरअसल जलेबी बाबा पर महिलाओं को चाय में नशीली गोलियां खिलाकर रेप करने के आरोप लगे थे, जिनमें बाबा उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। बाबा अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को 5 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। 6 जनवरी को सजा पर बहस के बाद 9 जनवरी को सजा के ऐलान के लिए तारीख तय की गई थी। 9 जनवरी को भी सजा पर बहस हुई, लेकिन 10 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस दौरान कोर्ट में बाबा जमकर रोया, जज के सामने रहम की अपील करता रहा। बता दें कि बाबा के महिलाओं के साथ 120 से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आए थे। मामले में 6 पीड़िताओं ने कोर्ट में बतौर विक्टिम पेश होकर बाबा के करतूतों का पर्दाफाश किया। बाद में 3 पीड़िताओं के बयान के आधार पर कोर्ट का फैसला आया है। क्या था पूरा मामला, जरा ये भी जान लीजिए। बाबा बालक नाथ डेरे के बाबा बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दरअसल एक मुखबिर ने थाना प्रभारी प्रदीप कुमार मोबाइल पर जलेबी बाबा की अश्लील वीडियो दिखाई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके कब्जे से 120 वीडियो मिले, जिसमें वो महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाई दिया। पुलिस पूछताछ में जलेबी बाबा ने कहा कि उसके पास आने वाली महिलाओं को बहला फुसला कर नशे की गोली खिलाकर उनके साथ घिनौना काम करता था और अपने मोबाइल से वीडियो बनाता, बाद में उनको ब्लैकमेल करता, उनसे पैसे ऐंठता। बदनामी के डर से महिलाएं किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। 13 अक्टूबर 2017 को एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ शहर पुलिस टोहाना में आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 2018 में तत्कालीन एसएचओ की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज करने के बाद घटनास्थल से चिमटा, राख, भभूत, नशे की गोलियां, वीसीआर आदि बरामद की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।